हेलो फ्रेंड्स, और आज आपके सामने है KTM ड्यूक 390। इसका आज हम फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और काफ़ी शानदार गाड़ी है ये, 390 सीसी की बाइक, नेक्ड बाइक है ये। और ये इसका फ्रंट लुक देख रहे हैं आप, यहाँ पे LED DRL यहाँ पे आपको दिए गए हैं और LED इसमें आपको हेडलाइट मिलने वाली है, देख सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी शानदार है। अभी इसको ऑन करके दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो काफ़ी अट्रेक्टिव है फ्रंट लुक इसका, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया जो इसका लाइट है वो काफ़ी अट्रेक्टिव है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। बहुत ही अट्रेक्टिव लाइट है। और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह दी गई है। इसी के साथ में आप साइड में देखेंगे तो LED टर्न इंडिकेटर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओवरऑल जो फ्रंट का लुक है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है और शानदार है, ये देख सकते हैं आप पे। और अभी साइड लुक देख लेते हैं, देखो ये देख सकते हैं आप, साइड लुक काफ़ी शानदार। और फ्रंट व्हील देख लेते हैं इसका, तो फ्रंट में आपको 320 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं आप पे। और ड्यूअल चैनल ABS मिलेगा, प्लेटिंग देख सकते हैं आप पे। और अपसाइड फॉक सस्पेंशन मिलेंगे इसमें आपको, इस हिसाब यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। और 17 इंच का टायर मिलेगा, मेटलर का यहाँ पे टायर मिलेगा आपको। और ट्यूबलेस टायर मिलेंगे और व्हील पे भी आपको रेडियम देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे KTM लिखा हुआ है, साथ में रेडियम वर्क मिल जाएगा यहाँ पे आपको। और साइड में देखेंगे आप तो 390 ड्यूक की बेजिंग मिल जाएगी। देखते हैं आप, लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे साइड में देखते हैं आप, KTM की बेजिंग दी गई है। और 6 स्पीड का गेयर बॉक्स मिलेगा इसमें आपको, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और बेयरिंग सिस्टम मिलेगा इसमें आपको। और मेन स्टैंड यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, साइड स्टैंड ही है, तो साइड स्टैंड से ही काम चलाना पड़ेगा आपको, जो कि एक कमी लगती है इसमें, आजकल बहुत सारी गाड़ियों में नहीं आता है। और ये पेडल्स फोल्डेबल दिए गए हैं यहाँ पे। और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। और चेसिस कलर की बात करें तो इसमें आपको व्हाइट और ऑरेंज मिल जाएगा, यहाँ से आप सीट ओपन कर सकते हैं। और ये रियर का पेडल। और चेन ड्राइव सिस्टम, काफ़ी हैवी ड्यूटी चेन मिलेगा इसमें आपको। रियर प्रोटेक्टर यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और 390 की बेजिंग यहाँ पे दी गई है। और रियर प्रोटेक्टर यहाँ पे अवेलेबल है। और सीट काफ़ी बढ़िया है, स्प्लिट सीट मिलेगी यहाँ पे आपको। और ये इसका रियर लुक देख रहे हैं आप यहाँ पे। और रियर की बात करें तो LED कंसोल मिलेगा यहाँ पे, LED टेल लाइट दी गई है। और टर्न इंडिकेटर रियर में भी आपको नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे लाइट दी गई है, नंबर प्लेट के लिए जगह भी दी गई है। और रियर रिफ्लेक्टर भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ओवरऑल जो रियर का लुक है वो भी काफ़ी शानदार है, वो काफ़ी बढ़िया कंसोल यहाँ पे आपको दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे आप तो ये इसका एग्जॉस्ट, काफ़ी बढ़िया साउंड करेगा ये, इसका साउंड भी सुना रहा हूँ आपको। और ये इसका रियर व्हील, रियर में आपको 230 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा और 150/60/17 का टायर मिलेगा रियर में। ABS के साथ में यहाँ पे आपको ब्रेक मिलेगा, डिस्क ब्रेक, ड्यूअल चैनल ABS यहाँ पे अवेलेबल है। और इसमें भी आपको रेडियम वर्क मिलेगा, ये पेडल देख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये ब्रेक पेडल और किक का ऑप्शन नहीं है, सेल्फ से ही आपको गाड़ी स्टार्ट करना पड़ेगी। रेसिंग KTM की बेजिंग यहाँ पे मिल जाएगी। और इसमें आपको 373 cc का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन मिलेगा, जो कि मैक्स पावर देगा 43 HP की, मैक्स टॉर्क देगा 37 Nm का, जिससे कि आपको 30 से 32 का माइलेज देखने को मिलेगा 6 स्पीड गेयरबॉक्स के साथ में। और ये लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं आप, KTM की बेजिंग यहाँ पे साइड में भी दी गई है। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लुक है इसका, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हैंडल गार्ड दिए गए हैं,
वाइट कलर के, जो कि काफ़ी शानदार है। दोस्तों ये था KTM ड्यूक 390, कैसा क्या लगा आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों काफ़ी अट्रैक्टिव बाइक है ये, और इसमें आपको ऑरेंज और वाइट कलर मिल जाएगा, जो कि आप वाइट कलर देख रहे हैं, और ये फ्यूल टैंक ब्लैक कलर के साथ में, और ये इसका फ्यूल टैंक ओपनर कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। 13 लीटर 400 ग्राम का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिलेगा 400 ml का, और ये इसकी चाबी, और यहाँ पे लगेगी ये चाबी, और यहाँ पे देखेंगे आप तो पूरा डिजिटल कंसोल देखने को मिलेगा इसमें आपको। RPM मीटर दिया गया है, स्पीडोमीटर दिया गया है, देखते हैं यहाँ पे ABS वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं ABS रोड और न्यूट्रल गियर इंडिकेटर, इधर आपको न्यूट्रल लाइट, ABS की लाइट, साइज स्टैंड वार्निंग, कई सारे फंक्शन देखने को मिलेंगे इसमें आपको, देखते हैं यहाँ पे डेट बैटरी ट्रिप वगैरह, और इधर आपको इंजन ऑफ के लिए स्विच और सेल्फ का स्विच दिया गया है इधर, ये दिखता है यहाँ पे भी लाइट दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है नाइट में, और इधर आपको आपके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, उधर बाकी हॉर्न और टर्न इंडिकेटर वगैरह के कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ पे आपको, और ये हैंडल बार देखता है यहाँ पे कैसा क्या दिया गया है, तो काफ़ी बढ़िया गाड़ी है ये देखता है यहाँ पे। और इसकी प्राइस के बारे में बात करें हम तो 2,88,000 ऑन रोड प्राइस है ये इंदौर का, और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो अंजुश्री KTM विजयनगर इंदौर पर यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। और चलिए सुन लेते हैं इसका इंजन साउंड कैसा क्या सुनने को मिलता है, तो ये है इसका इंजन साउंड, सुनते हैं चलो। तो दोस्तों इंजन साउंड आपने सुन लिया, कैसा क्या लगा आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो अंजुश्री KTM विजयनगर इंदौर यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।